क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई। हाँ तो अभी मैंने क्या उर्दू में बोला था बेटा। चलो देखो फटाफट रीड करना। हनुमंत क्लब का 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वर्ष का प्राप्ति और भुगतान खाता दिया हुआ आपको, फटाफट रीड करना। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, इनकम में जाएगा। रेंट ऑफ ऑल, रेंट क्या है? नॉर्मल कमाई होती है। किराया कहाँ जाएगा? इनकम में। लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, लॉन्ग टर्म पर्पज से मिली अपने को, ठीक है। एंट्रेंस फीस जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहे नॉर्मल इनकम है, इनकम में आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉर्मल इनकम है। रिसिप्ट फ्रॉम म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, हम म्यूजिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो उसमें कुछ रिसिप्ट हुई अपने को, इनकम है। अपकीप ऑफ गार्डन खर्चा है, गार्डनर सैलरी खर्चा है। गार्डनर मतलब जो देख रेख करने के लिए आदमी होता है उसकी सैलरी। ग्राउंड रेंट एक्सपेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, ठीक है। उद्यान संग्रहण संरक्षण व्यय में 310 रुपए पिछले वर्ष के संबंधित हैं। अपकीप ऑफ गार्डन जो है कह रहा उसमें 300 रुपए जो है वो 310 वो पिछले साल के हैं, मतलब वो पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा। तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, माइनस कर देना है, हटा देना है, जो इस साल का नहीं है हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट, जोधपुर साहित्य समिति से क्लब के हॉल के भाड़े के 350 रुपए 31 दिसंबर 2018 को लेने बाकी हैं। लेने बाकी है मतलब इनकम जो मिलनी बाकी है, एक्रूड क्लोजिंग, ये रेंट ऑफ हॉल है, एक्रूड एंड करेंगे, हैं? अच्छा बी रह गया, चलो पहले सी पढ़ लिया हमने, अब बी पढ़ लेते। 31 दिसंबर 2017 को छपाई और लेखन सामग्री के 148 रुपए देने बाकी थे, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग क्या होगा? एड, 31 दिसंबर 2018 को देने बाकी है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बन गया। अच्छा 17 है, ओके सॉरी, ओपनिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, ठीक है। हनुमंत क्लब ने पूंजी कोष बना रखा है, पूंजी कोष मतलब कैपिटल फंड। दान, ध्यान से सुनना क्या करे, दान, आजीवन सदस्यता का चंदा और प्रवेश शुल्क के हस्तांतरण से पूंजी कोष का निर्माण किया गया है। तीन चीजें जाती है इसमें। डोनेशन अगर कोई मिलता है वो भी हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस ट्रांसफर करते हैं, और तीसरा एंट्रेंस फीस अगर कोई आती है वो भी हम क्या करते हैं, कैपिटल फंड में डालते हैं। इसका मतलब क्या, अब ये एंट्रेंस फीस इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी? नहीं आएगी, सीधा बैलेंस शीट। 31 दिसंबर 2017 को क्लब के अन्य खातों के शेष इस प्रकार थे, यानी ओपनिंग में हमारे पास क्या क्या बैलेंस था वो दे दिया। कैपिटल फंड दे रखा है, क्या अब मुझे बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है? जब ओपनिंग कैपिटल फंड खुद ने ही दे दिया तो हम क्यों बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। हाँ, सामान्य कोष जनरल फंड, देखो जनरल फंड जो है ना इसके आगे इसने ब्रैकेट में क्या लिखा है, आय का व्यय पर आधिक्य है। ये क्या है? इसका मतलब इसने दो फंड बना रखे हैं, एक फंड वो है जिसमें डोनेशन लाइफ मेंबरशिप फीस और ये सब ट्रांसफर करता है, और इसने एक जनरल फंड बना रखा है जिसमें सरप्लस ट्रांसफर किया जाता है। तो इस साल जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिशिएंसी आएगा उसको नॉर्मल फंड के साथ आपको एडजस्ट करना है, उस कैपिटल फंड के साथ एडजस्ट नहीं करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसने क्लेरिफाई किया है। क्लेरिफाई नहीं करता अगर तो आप दोनों में से जहां मर जाए वहां पर एडजस्ट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लब का भवन और उद्यान 46,354 रुपए का है, 5% हमारे पास विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट है, जिनका अंकित मूल्य 8,400 है। अब ये क्या रामायण है भाई, मार्केट में पता शेयर जो होता है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए होती है, लेकिन जब मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो 100 से ऊपर और कम में बिक सकता है। 100 की चीज 150 में बिक सकती है, 180 में बिक सकती है, 300 में बिक सकती है, 50 में बिक सकती है। तो हम हमारी बुक में उसको कितने में लिखते हैं मालूम है? जितने में हमने उसको खरीदा है। 100 की चीज में अगर 60 रुपए में खरीद के लाया हूं तो मैं अपनी बुक्स में उसको 60 रुपए पर लिखूंगा। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कि जितनी आप यहां से लागत आती है उसी पे उस लेन देन को दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन वो चीज वास्तव में है कितने की? चीज तो 100 रुपए की है। अब ध्यान से सुनना, डिबेंचर था जो मैंने किसी का खरीदा 100 रुपए का, मैंने 60 में खरीदा, बुक में कितने लिखूंगा? 60 रुपए। लेकिन इस डिबेंचर्स पर जो कंपनी मुझे ब्याज देगी ना, वो ब्याज किस पर देगी मालूम है? फेस वैल्यू पर, 100 रुपए पर। आया समझ में? चाहे मार्केट में कितनी भी रेट चले कम या ज्यादा, लेकिन जो इंटरेस्ट होता है, जो इनकम होती है इन्वेस्टमेंट पे, वो हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर होती है। तो अब इस पॉइंट को पढ़ो, ये कह रहा हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जिनका नाम है 5% इन्वेस्टमेंट, जैसे अभी एफडी में आया था ना वैसे यहां पर है। तो 5% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्याज की दर को, कि इस इन्वेस्टमेंट पे आपको ब्याज कितना मिलेगा? 5%।
ये हमारे पास 7324 रुपए के थे, लेकिन ब्रैकेट में इसने क्या लिख दिया, इसका फेस वैल्यू 8400 है। तो बताओ ब्याज किस पे मिलेगा? अच्छा मैं अपनी बुक में कितने पे लिखूंगा इसको? 7324 बुक वैल्यू, 7324 बुक में मैं जो लिखूंगा, ठीक है। फेस वैल्यू जो थी वो 8400 की थी, क्लियर। ब्याज मिलेगा 8400 के ऊपर। बच्चे यहां गलती करके आते हैं। नेक्स्ट फर्नीचर था हमारे पास, यहाँ कहीं किसी किसी के सिर्फ 100 रुपए लिखा हुआ है, उसको चेंज करके लिख देना 3100, ठीक है, जिसके सिर्फ 100 रुपए लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में 3100 है, हिंदी में यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। चलिए अब बात करते हैं, अपन बना लेते हैं क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब फटाफट बोलते जाओ, इनकम में क्या क्या था? सबसे फर्स्ट बाय सब्सक्रिप्शन, क्या कुछ पॉइंट था सब्सक्रिप्शन का? एडिशनल पॉइंट में कहीं भी चंदे के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ आपने को, जब नहीं बोला हुआ तो ये इनकम थी, सीधा बाहर चला जाएगा भाई, कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं है ना, 13400। फिर बोला रेंट ऑफ हॉल, इसका एक पॉइंट था बाय रेंट ऑफ हॉल, पहले तो वैल्यू उठानी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से 600 रुपए। अब देखो पॉइंट क्या था, पॉइंट नंबर आइए आप किसमें, सी में क्या लिखा हुआ है, हॉल के भाड़े के 350 रुपए 31 दिसंबर 2018 को, यानी क्लोजिंग की बात कर रहा है, को लेने बाकी थे एक्रूड, एक्रूड क्लोजिंग एड करेंगे, एड एक्रूड क्लोजिंग कितने है 350। तो वास्तव में हमने कमाए तो 950 है, मिले 600 ही थे, तो इनकम की कैलकुलेशन में तो 950 मानूंगा, लिखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ही आएगा ही नहीं, सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। एंट्रेंस फीस भी यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि उस कैपिटल फंड इसी से बन रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, यस, क्या हुआ, आजीवन किसमें जाएगा, आजीवन लाइफ टाइम के लिए जो चीज होती है ना, वो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है। पंकज जी क्या बोला मैंने, सुनेंगे नहीं है वो, लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है, बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ नेक्स्ट क्या है, अब बताओ इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए था वो कितना मिलना चाहिए था, ध्यान से देखना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला कितना है 420, मिलना कितना चाहिए था, कैलकुलेट करके बताओ होना कितना चाहिए था, 420 ही होना चाहिए था, 8400 निकम्मो, 8400 का 5% कितना होता है 420 ही, मिला भी कितना है, तो बस कुछ करने की एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है, सीधा 420 बाहर। नेक्स्ट रिसिप्ट फ्रॉम म्यूजिक कॉन्फ्रेंस नॉर्मल इनकम है, ही आ जाएगा बाय रिसिप्ट फ्रॉम म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, कितना है 3424। फिर आ जाइए एक्सपेंस में, अपकीप ऑफ गार्डन खर्चा है 2, अपकीप मतलब होता है देखरेख के लिए है ना, अपकीप ऑफ गार्डन पॉइंट है इसका, ये था कितना 5756 था, 5756, और इसका देखो पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर है हमारे पास सेकंड, जोधपुर साहित्य समिति से क्लब के हॉल के भाड़े, नहीं ये नहीं है, फर्स्ट पॉइंट, उद्यान संरक्षण व्यय के 310 रुपए पिछले वर्ष के सम्मिलित हैं, मतलब कोई खर्चा पिछले साल का था हमने इस साल चुका दिया, इस साल का थोड़ी एक्सपेंस, हटाओ इसको, इट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, कितने 310, तो 5446 रुपए। नेक्स्ट गार्डनर की सैलरी, इसका तो पॉइंट नहीं था ना, गार्डनर की सैलरी सीधा आ जाएगा 2, गार्डनर्स सैलरी कितनी 3850। नेक्स्ट 2 ग्राउंड रेंट, नॉर्मल एक्सपेंस है कितना। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई पॉइंट तो नहीं था, है बी पॉइंट, पहले लिख देते हैं 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वैल्यू थी कितनी
1843 1843। हाँ, अब देखो पॉइंट नंबर टू, इसके रिलेटेड लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2017, 17 मतलब ओपनिंग होगा क्लोजिंग होगा, ओपनिंग को लेखन सामग्री के 148 रुपए देने बाकी थे, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्या होगा, लेस माइनस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग कितने, 148, 1695। नेक्स्ट 1700 थोड़ी आएंगे, चाय पिलानी पड़ेगी ये सबको ही। टू पोस्टेज, हाँ पोस्टेज का क्या है भाई, कोई पॉइंट नहीं है। टू पोस्टेज कितना, 437। न्यूज़पेपर नॉर्मल एक्सपेंस है, टू न्यूज़पेपर कितने, 47। नेक्स्ट न्यूज़पेपर हो गया, एक्सपेंस ऑन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, टू एक्सपेंस ऑन म्यूजिक कॉन्फ्रेंस 4752। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ। बस अब एक बार सारे पॉइंट पढ़ लो, कोई चीज रह तो नहीं गई। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, बस डेप्रिसिएशन के बारे में अपने को कुछ नहीं बोला हुआ है, निकाल लो सरप्लस या डेफिशिएंसी। किसकी टोटल आ रही ज्यादा, 13,400, 950, 420, 3,424, 18,194 -5446385 मैं तो डेफिशिएंसी आ गया, डेफिशिएंसी तो आ रहा है 1581 इधर आएगा बाय डेफिशिएंसी, इसकी टोटल ज्यादा आ रही है डेफिशिएंसी बैलेंसिंग फिगर, तो जब इसकी टोटल ज्यादा आएगी तो इधर बैलेंस निकलेगा, ये अबे जी क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अब बनानी अपने को क्या, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग 31 दिसंबर 2018, क्योंकि ओपनिंग में कैपिटल फंड दिया हुआ है, जनरल फंड दिया हुआ है, सब दिए हुए अपने को। किस आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें कहीं कोई नया पॉइंट नहीं है। होमवर्क दूंगा आज आपको मैं, 5 से 6 क्वेश्चन घर से करके लाओ, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन वही है, कोई नया पॉइंट नहीं आने वाला अब। हाँ बताओ क्या क्या था एसेट्स में, सबसे पहले नीचे आ जाओ, 31 दिसंबर 2017 को हमारे पास क्लब के पास ओपनिंग में कैपिटल फंड था, ये कैपिटल फंड और इन दोनों को अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है। फिर भवन और उद्यान, मतलब बिल्डिंग एंड गार्डन, बिल्डिंग एंड गार्डन, इस पे डेप्रिसिएशन तो लगा नहीं, तो जितना ओपनिंग में था उतना ही क्लोजिंग में आएगा ना, हमने कुछ खरीदा और, कितना था ओपनिंग में, 46,354। फिर क्या है हमारे पास, 5% इन्वेस्टमेंट, ना तो हमने इस साल खरीदे इन्वेस्टमेंट और ना ही बेचे, तो जितने होंगे उतने के उतने ही वापस आ जाएंगे, कितने के थे, 7,324। नेक्स्ट फिर हमारे पास फर्नीचर पड़ा था, ये कितने का, 3,100 का, इस पे भी ना तो डेप्रिसिएशन लगा, ना खरीदा ना बेचा, तो एज इट इज आएगा, ये तो हमने क्या वैल्यू उठा ली, ओपनिंग वाली। इसके अलावा और क्या क्या आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस देखो। अच्छा एक काम करो, रिसिप्ट एंड पेमेंट की सारी चीजें देखते जाओ स्टार्टिंग से। सब्सक्रिप्शन यहाँ चला गया, रेंट यहाँ चला गया, लाइफ मेंबरशिप फीस कहेगी यहाँ, कहाँ जाएगी, कैपिटल फंड में, लाइफ टीम में जाएगी, लेकिन लाइफ टीम में भी कहाँ, वो जो हमारे पास कैपिटल फंड बना हुआ था, कैपिटल फंड, ये ओपनिंग में हमारे पास कितने का था, जो दिया हुआ 40,758, इसमें ऐड करेंगे लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन,
ये पूरा लिख देना आप, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 1800। इसमें एक चीज और जुड़ेगी, बताओ क्या? एंट्रेंस फीस ऐड कर दीजिए। एंट्रेंस फीस कितनी? 4370। बस ये दो चीजों से ही मिलके बना हुआ ये। एक डोनेशन भी था, लेकिन डोनेशन अपने को इस बार तो कहीं मिला नहीं है। 4758 प्लस 1800 प्लस 4370 4698। ठीक है, फिर आ गया ये इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ चला गया कॉन्फ्रेंस वाला, यहाँ चला गया उस साइड गार्डनर की फीस, गार्डनर सैलरी, ग्राउंड रेंट, प्रिंटिंग, बस सारी चीजें अपन लिख चुके हैं। एडिशनल पॉइंट में आ जाइए। 31 उद्यान संरक्षण व्यय में 310 रुपए पिछले वर्ष के सम्मिलित है। अब समझना, ये खर्चा पिछले साल का था तो ये पिछली वाली बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, ओपनिंग वाली में। क्या ये क्लोजिंग वाली में आएगा क्या? नहीं आएगा, हटाओ इसको। फिर कह रहा है 31 दिसंबर 2017 को, ये भी पिछले साल का है, पिछले साल जाना चाहिए, इस साल नहीं आएगा। लेकिन रेंट ऑफ होल जो है 350 वो इस साल का है। अच्छा, ये एसेट्स में आएगा कि लाइफटी में? एसेट्स में मिलना बाकी है, ठीक है। तो हमारा अधिकार है इसके ऊपर, क्या लिखेंगे? एक्रूड रेंट 350। नेक्स्ट, बस हो गया। एक जनरल फंड आएगा इस साइड, जनरल फंड कितने का है? है? क्या हुआ दोनों के? अगली बार दांत निकाले खींच के मार देना, एक फुल फ्रीडम है आपको। ओपनिंग में कितने का था हमारे पास? 17,720। इसमें ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? डेफिशिएंसी आई है इस बार, डेफिशिएंसी क्या होगी? माइनस। डेफिशिएंसी कितनी? 1581। करो लेस, बताओ कितना बैलेंस बचा? 17,720 माइनस 1581 16,139। बस करो, दोनों साइड की टोटल मैच होनी चाहिए। 63,067। उधर तो नहीं आ रही। 46,354 प्लस 7,324। अच्छा, एक कैश नहीं लिखा ना अभी, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 5,939। 46,354 प्लस 7,324 5,939 63,067। फटाफट छापो। क्योंकि क्वेश्चन में स्पेशली बोला हुआ है कि इसका निर्माण तीन चीजों से हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में स्पेशली ये भी बोला हुआ है कि इसका निर्माण सरप्लस से हुआ है। तो जब वो खुद क्लियरली बोल रहा है तो उन चीजों को हम वही लिखेंगे ना। अगर ये नहीं बोलता कुछ तो आप इसको यहां पर भी लिख सकते हो, तो यहां पर भी, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर लिख दिया।